नमस्कार दोस्तों, रीट शिक्षक भर्ती को लेके बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। दोस्तों, रीट शिक्षक भर्ती से जुड़ी विज्ञप्ति को लेके बहुत ही बड़ी घोषणा हो चुकी है। दोस्तों, राजस्थान की शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का बड़ा ऐलान, बीएड बीएसटीसी वाले अभ्यर्थियों के पास शिक्षक बनने का सुनहरा मौका। जी हाँ दोस्तों, बीएड बीएसटीसी डिग्री धारकों वाले अभ्यर्थियों को लंबे समय से इंतजार करना पड़ रहा था कि आखिर रीट शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति जो है कब जारी की जाएगी, रीट शिक्षक भर्ती जो है 2021 में होगी या नहीं होगी, जो 2020 अगस्त में होनी थी। तो चलिए आपको ले चलते हैं सीधा बड़ी खबर की ओर, कब जो है विज्ञप्ति जारी होगी, किस प्रकार से जो है रीट शिक्षक भर्ती का इंतजार जो है समाप्त होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं जी राजस्थान की ऑफिशियल रिपोर्ट के माध्यम से 15 दिसंबर के बाद रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा की जो घोषणा जो है की जा सकती है, यानी कि रीट शिक्षक भर्ती की जो घोषणा है, जो विज्ञप्ति है, उसकी जो अनाउंसमेंट जो है 15 दिसंबर के बाद कभी भी जो है किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, हम बात करें तो आप देख सकते हैं रीट शिक्षक भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर, 15 दिसंबर के बाद विज्ञप्ति को लेकर हो सकती है घोषणा। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं संघर्ष के पलों के कुछ दृश्य, आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार रीट शिक्षक भर्ती को लेकर बीएड व बीएसटीसी डिग्री धारकों के सामने इंतजार का लंबा पहाड़ जो है टूट पड़ा है। विज्ञप्ति को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से जल्द घोषणा की जा सकती है और संभावना यही है कि 15 दिसंबर के बाद रीट शिक्षक पात्रता परीक्षा की घोषणा जो है की जा सकती है। दोस्तों, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट अगर आप देखना चाह रहे हैं तो अभी वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही घोषणा होती है, हम सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से अवगत कराएंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ पास में बेल घंटे के निशान को दबा के ऑन नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें। दोस्तों, करीब एक साल पहले शिक्षा विभाग में जो 31,000 पदों पर रीट शिक्षक भर्ती की घोषणा की गई थी, जल्द ही जो है इस रीट शिक्षक भर्ती के विज्ञप्ति को लेकर बड़ी घोषणा हो सकती है। दोस्तों, विज्ञप्ति को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से जल्द घोषणा की जा सकती है, संभावना यही बताई जा रही है कि 15 दिसंबर के बाद रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा की घोषणा की जा सकती है, क्योंकि चुनाव आयोग ने अपनी आचार संहिता जो है हटा ली है। दोस्तों, जैसे तैसे तिथि नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे अब बीएसटीसी अभ्यर्थियों की चिंता भी बढ़ती जा रही है। आज भी बड़ी संख्या में बीएसटीसी धारी विद्यार्थियों ने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है, क्योंकि दोस्तों एनसीईटी के सर्कुलर के तहत लेवल वन में बीएड डिग्री धारकों को शामिल करने की बात कही गई है। हालांकि राजस्थान सरकार की ओर से इसको लेकर कोई भी अहम फैसला नहीं किया गया है। ऐसे में अभ्यर्थियों ने मांग की है कि प्रदेश में करीब 3,00,000 बीएसटीसी धारियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए लेवल फर्स्ट में बीएड डिग्री धारकों को शामिल नहीं किया जाए। दोस्तों, आपकी नज़र में बीएसटीसी का जो अलग से जो वो होता है, अलग से जो एग्ज़ाम होता है, उसमें क्या बीएड वालों को शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, बीएसटीसी धारी सचिन शर्मा का कहना है कि प्राथमिक लेवल पर सिर्फ बीएसटीसी वालों को ही मौका मिलना चाहिए। वहीं देश के करीब 21 राज्यों में भी प्राथमिक स्तर पर बीएसटीसी वाले अभ्यर्थियों का ही चयन होता है। ऐसे में अगर लेवल वन में बीएड वालों को शामिल किया जाता है तो बीएसटीसी वालों का हक मरेगा। इससे सरकार को बेरोजगारों के हित में फैसला लेते हुए लेवल फर्स्ट में सिर्फ बीएसटीसी वालों को ही मौका देना चाहिए। तो दोस्तों, आपकी नज़र में बताइएगा कि लेवल फर्स्ट में बीएसटीसी वालों के साथ बीएड वालों को भी मौका देना चाहिए या फिर केवल बीएसटीसी वालों को ही मौका देना चाहिए, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जैसे ही रीट शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति को लेकर, नोटिफिकेशन को लेकर कोई भी अपडेट आती है तो हम आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले अवगत कराएंगे। इसके लिए वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल घंटे के निशान को दबा के और नोटिफिकेशन को ऑन करें। और जानकारी पसंद आई हो, अगर आप भी रीट शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में बेल घंटे के निशान को दबा के ऑन नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर पाएं।